नमस्कार दोस्तों, समयधारा न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको मुंबई में लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ी है, बांद्रा स्टेशन पर जो 3-4 हजार लोगों का हुजूम उमड़ा है, उसका लाइव वीडियो दिखाई। हाँ, मेरा नाम आरिफ है, आरिफ आशीगलगा। मैं यहाँ पे बांद्रा वेस्ट में यहीं पे रहता हूँ। आज यहाँ पे बस स्टॉप के ऊपर जो हुआ, यहाँ पे कुछ 3 से 3,500 लोग यहाँ पे आए थे, UPDR वाले लोग यहाँ पे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट की वजह से वो यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ से उनको इंतजाम होगा, यहाँ से इंतजाम मिलेगा उनको कि बस या ट्रेन का जाने का कुछ इंतजाम यहाँ से मिलेगा, तो वही वापस उनके यहाँ पे लोग आके जमा हुए थे। और जब यहाँ पे जमा हुए तो पुलिस वालों ने उनको समझाने बुझाने की कोशिश करे, उनको राशनिंग वगैरह देने का बोले, सब कुछ करे, सिंगल लाइन भी बनाए आपस में उन लोग की वजह से, वो जो UPDR से जो लोग थे आपस में लड़के, उसके बाद में फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। एक्शन लेके फिर कुछ लोग यहाँ से भाग के गए, यहाँ से जालियों पे जो कूद के भागे, तो यहाँ से भी ये इसमें जो कूद के भागे, लाठी चार्ज वगैरह हुआ सब ऐसा था। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब लोग जो है यहाँ के वो डरे हुए सहमे हुए, यहाँ पे लोगों को खाना वगैरह बरोबर नहीं मिलता है। खाना जो भी लेना पड़ता तो 1-1 घंटा लाइन लगा के लेना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है जिसमें आधा पेट भी नहीं होता, तो ऐसी सारी तकलीफ है। उस वजह से लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द निकलने की सोच रहे हो लोग कि किस तरीके से हम यहाँ से निकलें। बस यही तो थोड़ी तकलीफ है यहाँ के लोगों को, और जो भी वो UPDR वाले यहाँ के जो रहवासी है वो यहाँ पे है ठीक है, अपना छोटा मोटा बाजार मार्केट पे जाके आ जाते हैं, अपने घर में रहते हैं अच्छे से, ज़्यादा कुछ तकलीफ तो उनको है भी नहीं। वैसे लॉकडाउन है तो कोऑपरेट तो कर रहे हैं यहाँ वाले, जो यहाँ के रहवासी है बांद्रा वेस्ट के स्लम एरिया के, जो बस वो यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं सारी चीज़ों से, बस जो बाहर के जो लोग हैं वो नहीं रह पा रहे। बस तुम लोग जो ये कर रहे हैं ठीक है, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल दे रहे अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं? तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं है। Thank you.